हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये गाइस, ये वाली जो रीडिंग है वो मेरी लास्ट वीडियो का सेकंड पार्ट है। ओके तो मैंने उसमें डिस्कस किया था कि अगर आप एयर साइन से डील कर रहे हैं तो और आपका कोई और एलिमेंट है, यानी कि आप अर्थ साइन हैं या वाटर साइन है या फिर फायर साइन है, तो आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका जीवन कैसा रहेगा उनके साथ, ये हम चेक कर रहे हैं। उसके साथ इन दिनों आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो भी चेक करेंगे। तो गाइज, हम इससे पहले वाला पार्ट जरूर देखिएगा, उसके बाद ये वाला पार्ट देखिएगा। ओके चलिए हम चलते हैं कि अगर आप किसी आपका साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है और आपके पार्टनर का साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, तो आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, यानी कि आप शादीशुदा हैं, नहीं है, होने वाली है शादी, तो आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि एयर और अर्थ, यानी ये अर्थ एलिमेंट होता है और ये एयर एलिमेंट है। तो गाइस क्या होता है, अर्थ से एयर मिलती है तो क्या होता है, एक बहुत ज्यादा एक क्या बोलते हैं, जब अर्थ और एयर का मिलन होता है तो बहुत कुछ अच्छा होता है, क्योंकि अर्थ के लिए जो एयर होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती है। पानी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो हवा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी से हमको ऑक्सीजन मिलती है। और ऑक्सीजन आप जानते हैं सभी के लिए ज़रूरी है, जीव प्राणी सब लोगों के लिए जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं यहाँ ये कह सकती हूँ कि जो अर्थ एनर्जी है वो किसी से भी डील करे बहुत अच्छा रहेगा गाइस। ओके लेकिन यहाँ पे एयर एनर्जी, एयर और अर्थ, अर्थ का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आप इनसे डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इनको देखेंगे, अगर आप आपके पार्टनर एयर एनर्जी वाले हैं और आप अर्थ एनर्जी वाले हैं, तो आप इनको हमेशा समझेंगे, इनकी भावनाओं को समझेंगे, इनको खुद को समझेंगे, जैसा ये चाहते हैं वैसा आप करेंगे, यानी कि आप हर हालत में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है। जो अर्थ एनर्जी के लोग होते हैं वो गिवर होते हैं, आप कभी भी इनकी बातों का बुरा नहीं मानेंगे, आप चाहेंगे, लेकिन एक लिमिट से बाहर तो बातें कोई सहन नहीं करता। लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी, अगर आप इनसे शादी करते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ परफेक्ट होगी। और मैं बताऊं कि एक ये उपजाऊपन लाता है, यानी कि एयर एनर्जी जब आती है अर्थ के पास तो एक हवा में एक अलग सा एटमोसफियर चेंज हो जाता है, यानी उपजाऊपन वगैरह सब बहुत अच्छा होता है, यानी कि ग्रोथ बढ़ती है। तो मैं यह कह सकती हूँ कि अगर आपके पार्टनर एयर साइन के हैं और आप अर्थ साइन के हैं, तो डेफिनेटली आप में आपकी जो ग्रोथ है ना, जो मतलब आपका लक इनसे जुड़ जाएगा। और मैं कहना ही चाहती हूँ कि आपका लक इनसे जुड़ जाएगा और आप बहुत ज्यादा ग्रोथ करेंगे, यानी कि आपके जो पार्टनर है आपके कारण, यानी कि आप मेल फीमेल जो भी हैं, मैं ये नहीं कहती, यहाँ पे मेल कोई भी हो सकता है और फीमेल भी कोई हो सकता है, तो आप दोनों का अगर ये साइन है एक दूसरे का, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ बहुत होगी। शादी के बाद भी आप देखेंगे कि इनका लक आपसे जुड़ जाएगा। और कहीं अर्थ एनर्जी वाले बहुत ज्यादा लकी पर्सन होते हैं, बहुत सभी के लिए नहीं कह रही हूँ गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि इनके पास मतलब सेटिस्फाइड पैसा रहता है और ये जहाँ जाते हैं वो अपना लक उनको दे देते हैं, यानी कि आपका लक इनसे जुड़ जाएगा तो डेफिनेटली आप भी ग्रो करेंगे। तो ये बहुत लकी पर्सन होते हैं और आपके साथ इनकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है गाइज, और ये जो रीडिंग है गाइज मैं आपके नाम के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, ये आप नाम के अकॉर्डिंग देखिएगा। मैं नहीं जानती अगर शादी में आप किसी का नाम चेंज करके हो जाता है तो वो शादियाँ नहीं, वो नहीं मानती मैं, वो एस्ट्रोलॉजिकली ठीक हो रहता होगा। लेकिन मैं यहाँ पे नाम, जो आपका जो फेमस नाम है या जो रजिस्टर्ड नाम है उसके अकॉर्डिंग में ही बता रही हूँ। तो लॉजिकल बात ये है कि अर्थ और एयर जब मिलते हैं तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है और ग्रोथ भी बढ़ती है, तो आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आप देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, ओवरऑल इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहती है, बच्चे वगैरह फैमिली वगैरह सब बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये सब में एडजस्ट कर लेते हैं गाइज। ये एयर एनर्जी वाले तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम पसंद होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, लेकिन ये आपके साथ ज़्यादा आते हैं तो आप इनको खुद बदल देते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ आप लोगों में होगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं करंटली आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइज, यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं, अगर आपका साइन टॉरस वीर को कैप्रिकॉन है और आपके पार्टनर का साइन एयर साइन है, तो गाइज आपके पार्टनर किसी डिसीजन के मूड में लगते हैं। मुझे यहाँ पे लगता है आप में बातचीत नहीं हो रही और आप किसी, और जो मेरे व्यूअर है एक्सक्यूज मी, जो मेरे व्यूअर हैं वो किसी चीज़ का डिसीजन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपको क्लियरिटी मिले, यानी कि मेरे व्यूअर को क्लियरिटी चाहिए और आपके पार्टनर से वो क्लियरिटी आपके पास आ रही है। मुझे यहाँ पे लगता है कि आपका नो कॉन्टैक्ट है, बहुत दिन से बात नहीं हुई, आप चाहते हैं उन, आपने शायद कमिटमेंट या कुछ चाहा है उनसे और वो उसकी क्लियरिटी आपको नहीं दे पा रहे, इस वजह से बहुत ज़्यादा झगड़े आप में हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि आपके पार्टनर किसी डिसीजन पे पहुंचने वाले हैं और वो आपके पास डेफिनेटली आएंगे। ये नाइट ऑफ कप्स बहुत प्यार भरा
आपका रिलेशनशिप हो जाएगा और आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। मुझे यहाँ तक लगता है कि एक नई शुरुआत आप रिलेशनशिप की करेंगे। अगर अब तक इन एंड आउट होते रहते हैं तो क्यों रहते हैं ये भी आपको बताएंगे। डेफिनेटली आपके पास आके वो सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं और आगे क्या करना है ये भी बताएंगे। चलिए देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स बताएं करंटली क्या सोच रहे हैं, करंटली क्या सोच रहे हैं उनके पार्ट में, करंटली क्या सोच रहे हैं। देखिए फूल, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइज, तो यहाँ पे वेटिंग एनर्जी है गाइज। यहाँ पे ये इनको लगता है कि आप इनको छोड़ चुके हैं। करंटली क्या सोच रहे हैं, आपके लिए एक रिस्क लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मैं इस कनेक्शन को आगे बढ़ाऊँ कुछ ना कुछ, चाहे मुझे कितनी रिस्क है। उनको लगता है कि आपके कनेक्शन में आगे आने के लिए इनको बहुत कुछ करना पड़ेगा और ये करने के लिए तैयार भी है। ये रिस्क लेना चाहते हैं आपके साथ। एक जीरो आर्कना है, मेजर आर्कना है गाइज। यहाँ पे एक नई शुरुआत बहुत पॉजिटिविटी लाएगी, लेकिन ये इन एंड आउट होते होंगे डेफिनेटली। अब भी इनकी एनर्जी ऐसी रहेगी, ये कभी कुछ कहेंगे और कभी कुछ। लेकिन मुझे यहाँ पे करंटली यही लग रहा है कि आपके साथ पास आना चाहते हैं, आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपसे मिलना चाहते हैं डेफिनेटली। आपका वेट करें या तो ये चाहते हैं कि आप इनसे आगे होके बात करें, यानी कि आपके कम्युनिकेशन का या मैसेज का वेट करें। ये किसी राइट टाइम का वेट करें, खुद चला के वेट आपका आपको कॉल नहीं करेंगे। ये आप चाहते हैं कि आप इनके प्रति कोई एक्शन लें, क्योंकि इनको लगता है कि आपने छोड़ा है, इनको लगता है कि आपने बातें खराब करी है, इनको लगता है कि आप इनको छोड़ के चले गए हैं। इन्होंने तो नहीं छोड़ा, आपने छोड़ा है, इनको ये लगता है। और कहीं ना कहीं ये आपके किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। ये हो सकता है खुद भी मैसेज या कॉल कर दें, लेकिन इनको एक रिस्क लेनी है आपके कनेक्शन में, ये डेफिनेटली ये सोच रहे हैं। ठीक है, पहले ये चाहेंगे कि आप उनसे कॉन्टेक्ट करें, अगर नहीं तो आपको ये खुद चला के कॉन्टेक्ट करेंगे। ठीक है, आप देख लेते हैं इनके इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एक नई शुरुआत, डेविल, गाइस, जजमेंट। देखिए इनको एक वेकअप कॉल हो चुकी है, यानी कि आपने इनके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम इनका ले लिया और कहीं ना कहीं आपने कोई एक्शन नहीं दिखाया। अब इनको एक्शन लेने की बारी है गाइस। यहाँ पे इनको वेकअप कॉल है, ये भगवान ने या किसी देवता ने किसी एंजल्स ने इनको बताया है कि अब जागो, तुम्हारा पार्टनर तुमको छोड़ के जा रहा है, अब तो कोई एक्शन लो। तो गाइज यहाँ पे इनको लगता है कि कोई आपके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित है। मुझे यहाँ पे लगता है डेविल एनर्जी, कोई इनके पास कार्मिक कनेक्शन का चल रहा है जिसमें भी इनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि उनको छोड़ना है। कोई कनेक्शन है, कोई कार्मिक कनेक्शन है या कोई थर्ड पार्टी है तो उसको छोड़ देंगे बिल्कुल। इनको ये वेकअप कॉल आ चुकी है कि किसको पाना है, किसको चूज करना है, इनको वेकअप कॉल आ चुकी है। इन्होंने डिसीजन ले लिया और आपके पास आएंगे डेफिनेटली। यहाँ पे आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट मुझे लग रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आपको एक भरोसा दिलाना चाहते हैं। इनका जो मैं कहना चाह रही हूँ कि ये एक्सप्रेसिव नहीं है गाइज। आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत कम बोलते होंगे, लेकिन ये अपने एक्शन से ज़रूर कुछ ना कुछ आपको बताएंगे। इंटेंशंस यही है कि आपके पास आएँ, आपको कोई ऑफर गिफ्ट आ सकती है या कोई भरोसा आपको दिलाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इनके एक्शन क्या हैं। इंटेंशन इनकी यही है कि आपको कुछ ना कुछ सही, जो आपके साथ रिलेशनशिप में सही है वो करें और आपके पास आना चाहते हैं। इंटेंशन यही है। अब एक्शन देख लेते हैं इनके। टेन ऑफ वॉन्ड्स, दो एक साथ आए गाइज, हम ले लेंगे। ओके, तो व्हील ऑफ फॉर्चून और टेम्परेंस। ओके गाइज, मैं हंस क्यों रही हूँ बताती हूँ गाइज। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, इन्होंने भगवान पे छोड़ दिया। इनको लगता है कि अब मैं इस रिलेशनशिप को संभाल नहीं सकता। इन्होंने बहुत वेट करा है आपको, ये जानते हैं इन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की है, लेकिन इनको करने को बहुत कुछ है। इनके साथ ऐसा बंधन है कि जो इसको छोड़ नहीं पाते। इनके कंधों पे बहुत बोझ बना हुआ है, किसी चीज़ का बोझ हो सकता है, कार्मिक कनेक्शन का बोझ हो सकता है, जो इनको बहुत स्टक कर रहा है। ये चाहते हुए भी आपके प्रति कोई एक्शन नहीं ले रहे। इन्होंने भगवान पे छोड़ दिया है, ये चाहते हैं चीज़ें बैलेंस हो जाए। आपके पास आना चाहिए, आपके पास आना चाहते हैं और कुछ ना कुछ आपको ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे एंजल्स की कोई ब्लेसिंग आए और आप दोनों को मिला दें। ये चाहते हैं कि सब कुछ भगवान के द्वारा हो, लेकिन ये एक्शन लेने के लिए अभी रेडी नहीं है गाइस। एक कार्ड और निकालती हूँ, क्या क्या चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है यहाँ पे, क्या चाहते हैं। देखिए आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, मैंने पहले ही कहा कि आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, खुद चाहते हैं कि आप इनसे बात करें। ये शायद आगे होके कुछ नहीं कर पा रहे, ये सिचुएशन ऐसी है ताकि ये कुछ नहीं कर पा रहे और ये चाहते हैं कि आप इनसे एक बार कॉल करें या मैसेज करें तो बातें क्लियर हो। ठीक है गाइस, तो अब इनके कुछ मैसेज देख लेते हैं। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आपसे, और इस तरह की रीडिंग आपको वापस देखनी है तो मैं दूसरे एलिमेंट को लेके बनाऊंगी। ठीक है, तो वो भी मुझे बताइएगा। चलिए देख लेते हैं इनके मैसेज। ओके, क्या कहना चाहते हैं इस वक्त आपसे, मैसेज देख लेते हैं।
समटाइम्स ऑब्जर्विंग योर ब्यूटिफुल एक्शन मेक्स मी स्पीचलेस. कई बार ये आपके एक्शन देखते रहते हैं तो बिल्कुल स्पीच, इनको लगता है कुछ नहीं बोले, सिर्फ आपको देखते रहे. क्या तुम्हारे प्यार क्या तुम्हें प्यार जताना भी आता है? ओके. आई सी अ हैप्पी फैमिली विद यू. ये आपके साथ हैप्पी फैमिली देखते हैं. और दो कार्ड, तीन कार्ड ब्लैंक आए गाइस. आई वॉज डेस्टाइंड टू बी विद यू. ये इनका, इनको लगता है कि आप इनकी डेस्टिनी में हैं. मुझे तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता. मैं कह रही हूँ ना कि आप इनको बहुत अच्छे से समझते हैं और इनको कैसे क्या टैकल करना है आप जानते हैं. ठीक है, तो ये थी रीडिंग. अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट कार्ड पे चलते हैं. ओके गाइस, तो आप अगर किसी एयर साइन से डील कर रहे हैं और आपका साइन एरिज लियो सजिटेरियस यानी फायर साइन है, तो क्या होगा गाइस? आप देखिए यहाँ पे एयर और फायर दोनों मिलते हैं तो क्या होता है गाइस, बताइए आप. बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस होंगे आप में, बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे को समझने में ना समझ होंगे. बिल्कुल आप एक दूसरे को, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि आप दोनों के कनेक्शन में सबसे मेजर बड़ी बात है कि आप दोनों में ऐसा कोई डिफरेंस होगा, मतलब एक मेजर डिफरेंस, मतलब कोई ऐसी जो लोगों को भी समझ में आएगा. यानी कि आप बाहर से जब देखेंगे आप लोगों की दोनों की जोड़ी, तो आप में कोई मेजर डिफरेंस होगा. या तो एक बहुत काला होगा या फिर एक बहुत गोरा होगा या फिर एक बहुत लंबा एक छोटा होगा, इस तरह की आपकी जोड़ी होगी. तो मतलब अनबैलेंस मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ लगेगा. मुझे कहना पड़ेगा गाइज, यहाँ पे फायर साइन वाले और एयर साइन वाले जब मिलेंगे तो इनके ईगो क्लैशेस बहुत होंगे गाइज. यहाँ पे लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, आप एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे. कहीं ना कहीं ये आप सोच, आपके लिए सोचेंगे कि कहीं ना कहीं ये मेरे लायक नहीं है. या कहीं ना कहीं आप, यानी कि जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं, वो सोचेंगे कि ये मेरे लायक नहीं है. देखिए गाइज, ये जनरल रीडिंग है, आप जो भी कमेंट करना चाहते हैं बेशक करिए, लेकिन जो लॉजिकल बात है वो मैं बता रही हूँ. अगर आग लग रही है और वहाँ पे हवा का एंट्रेंस होता है तो क्या होगा गाइज? आग बढ़ेगी. जंगल में आग लगती है और हवा आ जाती है तो क्या होता है? वहाँ पे आग और बढ़ जाती है गाइज. ओके, तो इस बात को समझिए गाइज. अगर आप इनसे डील कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपका जो मैच वो परफेक्ट है कि नहीं. मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप, अगर शादी भी होती है तो एस्ट्रोलॉजिकली तो आपके गुण मिल जाते होंगे, लेकिन फिर भी आपको हमेशा एक सेटिस्फैक्शन जो होता है ना, वो कभी नहीं मिलेगा. डेफिनेटली मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर अगर एयर साइन के और आप एरिज लियो सजिटेरियस है, तो तीनों ही केसेस में मैं यहाँ बताती हूँ, बहुत से लोगों का तो डिवोर्स हो जाता है. आप चेक करिएगा इस बात को, लॉजिकल बात, ये बिल्कुल लॉजिकल बात है गाइज. अगर आप देखेंगे अपनी आसपास, देखेंगे अपनी लाइफ में आप किसी को, गाइज मैं पहले बता दूँ, ये नाम जो आपका नाम अक्षर है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं. यानी कि आपका कुंडली का नाम कुछ और है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये मत देखिएगा. आप सिर्फ जो आपका प्रचलित नेम है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं, तो उसी नाम को लेके देखिएगा. अगर आपकी शादी किसी और नाम से हुई तो फिर ये नहीं चलेगा. ठीक है, तो गाइज यहाँ पे अगर आपका नाम, ये जो नाम अक्षर है वो इस राशि का है, तो बिल्कुल आपसे मैच होगी. आप देखेंगे कि इनके जो जोड़ी है काफ़ी हद तक, इतनी जीवन में इतने क्लैशेस होते हैं, कई लोग तो डिवोर्स ले लेते हैं, कई लोग सेपरेट हो जाते हैं, कई लोग जीते रहते हैं अपने बच्चों के लिए, उनको मतलब वो झूठी ज़िंदगी जीते हैं. मुझे मतलब ऊपर से कुछ दिखाते हैं, अंदर कुछ और होता है, ऐसी ज़िंदगी भी जीते हैं लोग. तो गाइज यहाँ पे मैं एयर और फायर एनर्जी आपस में नहीं मिल सकती, मैं यहाँ में और उनके क्लैशेस चलते ही रहेंगे. तो गाइज जो भी है आप देख लेते हैं कि प्लीज़ आप कमेंट करने से पहले सोचिएगा, फिर बताइएगा कि क्या ये सही है. आप आसपास भी देखिएगा, आपको लगेगा इसमें मेजर डिफरेंसेस बहुत होते हैं गाइज. इनमें सामने से देखने पे बहुत, एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, एक बहुत ज़्यादा डल होगा, ऐसे भी होता है गाइज. यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस इनमें होते हैं, जिसकी वजह से ईगो क्लैशेस और तू मेरे लाइक नहीं है, मैं तेरे लाइक नहीं, इस तरह की एनर्जीज होती है. ठीक है, तो आप देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है अभी, अभी इन दिनों क्या चल रहा है. ठीक है, एस ऑफ, दो कार्ड आ चुके हैं, हम ले लेंगे. ओके, आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, बताएं इनके रिलेशनशिप में. सेवन ऑफ पेंटिकल्स. ओके गाइज, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, और ये दोनों कार्ड देखिए आपको ज़्यादा जानना चाहते हैं. ये आपके मन में क्या चल रहा है, मतलब मेरे व्यूअर के मन में क्या चल रहा है वो जानना चाहते हैं. ये आपसे नई शुरुआत करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, लेकिन ये पेज की एनर्जी में है गाइस. ये बहुत ज़्यादा इन एंड आउट होते होंगे, ये बहुत ज़्यादा इनिशिएट करना चाहते हैं आपको, आपको आगे होके कोई ऑफर देना चाहते हैं. ये सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इन्होंने जो किया है उसके उसके लिए थोड़ा सा ये रिजल्ट देखना चाहते हैं कि उसका क्या रिजल्ट होगा. मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके कनेक्शन में कुछ ना कुछ ईगो क्लैशेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आपसे आगे होके कुछ कहना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है. डेफिनेटली आप में या तो नो कॉन्टैक्ट है, या बात करते हो तो ऊपरी तरह से करते हैं, आप डीपली कोई बात नहीं करते होंगे. मतलब इमोशंस मुझे बहुत कम लग रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, देखिए टावर का कार्ड आ गया, करंट फीलिंग्स में देखिए टावर का कार्ड आ गया, जजमेंट,
दो कार्ड और हैं, ठीक है, हम दोनों ही लेंगे, टेम्परेंस एंड डेविल। ओके गाइस, करंटली क्या सोच रहे हैं आप? करंटली ये सोच रहे हैं कि आप दोनों में बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही, या फिर जैसा कि मैंने कहा अंदरूनी रूप से इन्होंने जो किया है, आपके जो पार्टनर हैं उनका, उससे आपके दोनों के बीच में कोई टावर मूवमेंट आ गया, उनको लगता है कि आप चीजें सुधर नहीं सकती, उनको लगता है वेकअप कॉल आ चुकी है। मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत से लोगों के लिए गाइज नेगेटिव जैसे कार्ड आएंगे उनका हमको यही पढ़ने पड़ते हैं। अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, रीडिंग देखिए, अदरवाइज आप स्किप कर सकती हैं, फिर और कोई रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे मैं बताना चाह रही हूँ कि इन दोनों में, आप दोनों में जो भी कुछ हुआ है उसके लिए आप में टावर मूवमेंट आ चुका है, बिल्कुल बात नहीं हो रही, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर जो दिल में सोचते हैं करंटली, वो आपसे यही चाहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो। उनको कोई वेकअप कॉल हुई है, वेकअप कॉल मतलब उनको कोई भगवान के द्वारा कोई इशारा मिला है कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा। यहाँ पे टावर मूवमेंट आया, देखिए टेम्परेंस का कार्ड और डेविल का कार्ड है गाइस। यहाँ पे कोई टॉक्सिक, आपका जो रिलेशनशिप है बिल्कुल टॉक्सिक हो चुका है, ये इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, चाहते हैं कि बैलेंस हो जाए चीजें, वो छोड़ना नहीं चाहते लेकिन फिर भी आपके साथ कोई बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे कोई टॉक्सिक जो ऐसा रिलेशनशिप है जो कि इनको बहुत ही बांधे रखता है, आपके जो पर्सन है उससे बंधन से फ्री होना चाहते हैं, ये इसीलिए टावर मूवमेंट आया है कि आप उनको कंट्रोल करते होंगे और वो कहीं कंट्रोल में रहना नहीं चाहते, वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि रिश्ते में शांति बनी रहे, वो चाहते हैं, इसीलिए उनके करंट फीलिंग्स यही है कि उनको आपसे बिल्कुल शांत वातावरण चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं उनके इंटेंशंस क्या है आपको लेके। टावर मूवमेंट तो डेफिनेटली दिख रहा है मुझे गाइस, ओके, चाहते क्या है आपसे? किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, चाहते तो डिसीजन अपने हाथ में लेना चाहते हैं गाइस, आपसे नई शुरुआत करेंगे लेकिन जो वो कहें वो होना चाहिए, आपके साथ नई शुरुआत, पैशनेट हैं, आपके साथ आगे चलना चाहते हैं, जीवन बिताना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो इंटेंशंस यही है कि कंट्रोल उनके हाथ में रहे, वो रिस्क इसीलिए लेंगे ताकि आपको उनके कंट्रोल रखें, यानी कि आपके पार्टनर आप पे कंट्रोल बनाना चाहते हैं। एक नई शुरुआत बहुत अच्छी होगी आपकी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, किसी से राय ले रहे हैं आपके लिए डेफिनेटली, और या कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है जिसके बारे में भी वो सोच सकते हैं। ये एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आएगा, ये मुझे ये भी बता रहा है कि आपसे नहीं, किसी और से नई शुरुआत करना चाहते हैं और आपको वो छोड़ना चाहते हैं। ये दो तरह के सीनेरियोज मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इनके इंटेंशंस ये है कि ये पावर में आना चाहते हैं, ये किसी और के साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, कोई थर्ड पर्सन है जो कि इनके लाइफ में है। अगर आपसे ऑलरेडी मैरिड है, जैसे कि कार्मिक कनेक्शन चल रहा है, आपके जो रिलेशनशिप में उसमें टॉक्सिक नेचर आपका लगता है मुझे, तो आपको छोड़ के किसी और को ये पसंद करते हो, उससे नई शुरुआत करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है। अब एक्शन देख लेते हैं कि एक्शन क्या होंगे। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्शन, आपकी तरफ एक्शन क्या लेंगे? द लवर्स, चैरिट। गाइज मुझे यहाँ पे फिर से लग रहा है ये किसी को एंड, ये आपकी परिस्थिति को एंड करना चाहते हैं। सबसे पहला कार्ड एक्शन में ये है कि ये आपको छोड़ना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि कोई हार्ट ब्रेक किसी का ना हो, इसलिए किसी एक को चूज करना है। इनको लगता है कि अगर इन्होंने किसी को चूज किया तो किसी का दिल दुखेगा, किसी को हार्ट ब्रेक आएगा, यानी कि इन्होंने अभी चॉइस नहीं किया, लेकिन ये चैरिट के मूड में है, ये एक्शन लेने के मूड में है। ये आपके पास क्या करेंगे गाइज? ये आपके पास गाइज मुझे दो तरह की चीजें मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, लवर्स क्यों है यहाँ पे। ओके, एक मिनट, ठीक है, फिर मैं बताती हूँ। टेन ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? देखिए, ये आपके ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हैं गाइज। यहाँ पे ये आपसे किसी बात को लेके, ये रिलेशनशिप बिल्कुल टॉक्सिक हो चुका है और आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी है कि आपको कोई ऑफर आप देते होंगे तो ये रिजेक्ट कर देते होंगे। ये आपसे थोड़े से नाराज मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। लवर्स क्यों है, एक मिनट देख लेते हैं, लवर्स क्यों है। देखिए, ये अपनी स्टेबिलिटी को लेके आपके पास आएंगे डेफिनेटली। ये पहले अपने करियर और बिजनेस को संभालेंगे, कोई और भी क्वीन हो सकती है, जैसा कि मैंने कहा लवर्स, इनके पास चॉइसेस हैं। एक्शन क्या लेंगे? ये किसी और को, और भी आपके रिलेशनशिप में कोई है गाइज। यहाँ पे डेविल का कार्ड आएगा इसलिए, और जजमेंट का कार्ड आया, टावर का कार्ड आया, ये तीनों मुझे कोई थर्ड पर्सन को बता रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो किसी और को चूज करना चाहते हैं गाइज। यहाँ पे सही बात तो ये है कि कोई और भी है इनकी लाइफ में जिसको वो चूज करना चाहते हैं। और चैरियट का कार्ड क्यों है, ये भी देख लेते हैं हम। ये अपने फाइनेंस को भी ग्रो करना चाहते हैं गाइज, ये स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने जीवन में, शांति चाहते हैं, जैसे कि टेम्परेंस का कार्ड भी ये बताता है कि शांति चाहते हैं अपने कनेक्शन में। चैरियट क्यों है? देखिए हायरोफेंट,
ओके गाइस, ये किसी को कमिटमेंट देना चाहते हैं, या हो सकता है कि आप उसके पास जाना चाहते हैं, ये अपनी शादी से बहुत परेशान है मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, और ये एक योद्धा बन के आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपने ये किसी को कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये गाइस, ये कमिटमेंट का कार्ड होता है, मेजर मेजर चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने वाली गाइस, मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ दिनों में गाइस आपसे मैच होता है तो ठीक है, ये किसी और को पसंद करते हैं, उसको चूज़ करेंगे और ये किसी के पास जाना चाहते हैं, ये किसी को कमिटमेंट करेंगे और आपका दिल तोड़ेंगे, डेफिनेटली आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। गाइज आपसे मैच होता है तो ठीक है, नहीं आप कोई और रीडिंग देख सकते हैं। ओके तो ये थे रीडिंग गाइज, अब इनके कोई मैसेजेस देख लेते हैं, कुछ मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। येलो कार्ड, चलिए देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। यू ऑलवेज नो हाउ टू लिफ्ट मी अप, ओके, राइट पाथ, वी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर, ओके, फीलिंग सैड, आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग दैट यू वॉन्ट, ओके, वैन आई सी योर नेम आई फील स्माइलिंग यू, ओके। या कुछ मैसेजेस थे तो आपके लिए हैं, या आपके पर्सन दूसरे के लिए दे रहे हैं, आई डोंट नो, बट यहाँ पे आपकी रीडिंग हो रही है गाइज आपके लिए। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है वो बहुत मुझे कन्फ्यूजन माइंड में लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड ऐसे आए हैं, ये अपने, मुझे नहीं लगता ये आपको छोड़ेंगे, लेकिन ये कोई और पर्सन को चूज़ करेंगे ये भी मुझे लग रहा है, और आपको छोड़ेंगे नहीं ये भी नहीं लग रहा है, यानी कि दोनों में बैलेंस बनाना चाहते हैं मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। डेफिनेटली आपके पार्टनर कोई चूज़ तो किसी और को करेंगे, लेकिन आपको भी नहीं छोड़ेंगे मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। चलिए देखते हैं, बॉटम में देख लेते हैं एक बार क्या है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे आपको, डेफिनेटली। तो ये थी रीडिंग गाइज, आपको कुछ भी पसंद आया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय।